दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक एक साल पहले एक बड़े राज्य का चुनाव परिणाम आया है। जी हाँ, वैसे तो कई और राज्यों के चुनाव परिणाम आने वाले हैं और कुछ के आ चुके हैं। सत्ताधारी बीजेपी की इस बार जो है बहुत बड़ी हार हुई है। जी हाँ, इस बार कर्नाटक के अंदर भाजपा की बड़ी हार हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर सरकार बनाने का घोषणा कर दिया है। नए मुख्यमंत्री की घोषणा जल्द ही हो जाएगी। इस हाई प्रोफाइल चुनाव के नतीजों को दुनिया भर के अखबार और मीडिया चैनलों ने भी कवर किया है। जैसे कि हमारे देशी मीडिया ने किस तरीके से हाय तौबा किया वो आप सभी ने देखा। स्टूडियो का क्या माहौल था। जैसे जैसे कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सीट बढ़त हो रही थी, वैसे वैसे हमारे गोदी चैनल्स के एंकर के चेहरे जो है वो मुरझाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब दुनिया भर के अखबारों ने इस कवरेज को, इस चुनावी कवरेज को किस तरीके से अपने अखबारों में जगह दिया है वो मैं आपको दोस्तों एक एक करके बताने वाली हूं कि कई विदेशी मीडिया संस्थानों ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए अपना हेडलाइन तक बना दिया है। जी हां, विदेशी मीडिया में 2024 का लोकसभा चुनाव जो है आने वाला है उसको इस चुनाव से जोड़कर बड़े बड़े हेडलाइन में क्या लिखा है विदेशी अखबारों ने, वो सब मैं आपको एक एक कर जानकारी देने वाली हूं। विदेशी अखबार ने चुनाव के दौरान हुई पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों, हिजाब विवाद, मुस्लिम आरक्षण खत्म करने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों का जिक्र किया है, जो उसने इस पूरे मामले पर अपनी कवरेज दी है और लिखा है कि शुरुआती में मोदी के पार्टी ने विकास का वादा किया था और सामाजिक कल्याण की योजनाओं से वोटरों का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि चुनाव करीब आते आते पार्टी हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ मुड़ गई, जो बीजेपी अक्सर अपने चुनावी प्रचार में करती है। पार्टी ने कांग्रेस पर हिंदू मूल्यों का अपमान करने और अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिमों के तुष्टिकरण का आरोप लगाया था। पार्टी ने राज्य में मुस्लिमों को रोजगार और शिक्षा मिलने के वाले 4% आरक्षण को भी खत्म कर दिया था और उसे दो हिंदू जाति समूहों को बांट दिया था, वो कलिंगा और लियांगत समुदाय को। अब दोस्तों मैं बात करती हूँ ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की। उसका हेडलाइन क्या था? ब्रिटिश अखबार द गार्जियन लिखता है कि भारत की कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को हराया है। गार्जियन ने लिखा है कि बीजेपी ने भारी भरकम चुनाव प्रचार किया, 9000 से ज्यादा रैलियां की, लेकिन ये सब मोदी और लोकप्रियता जो है वो सब राज्य की बीजेपी सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को हटाने, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से निपटने के लिए काफी नहीं थे। इतनी बड़ी रैलियां करने के बाद भी बीजेपी यहां से हार गई। बड़े नेताओं को टिकट नहीं मिलने के बाद राज्य के प्रभावी लियांगत समुदाय ने भी पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इस समुदाय को बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता था, उसने भी बीजेपी से पलड़ा छोड़ दिया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार ने खबर का टाइटल दिया है, कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया। जी हाँ, बांग्लादेशी अखबार का ये हेडलाइन है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया। डेली स्टार ने लिखा अपने अखबार में कि कर्नाटक का चुनाव प्रचार काफी चार्ज रहा, जिसमें धर्म, भ्रष्टाचार और मुस्लिम आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दे हावी रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग मुसलमानों का आरक्षण खत्म करने और मुस्लिम छात्रों के हिजाब पहनने के मुद्दों पर खूब बहस हुई। अखबार ने पार्टी नेताओं के हवाले से ये तक लिखा कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस की गारंटी के अलावा मुस्लिम वोट ने जीत में मदद की है। वो राज्य में करीब 13% हैं, जिस वजह से कांग्रेस वहां पर बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। हांगकांग की अखबार दोस्तों लिखता है, हांगकांग का अखबार जो है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपना हेडलाइन बनाते हुए लिखा है कि बाय बाय मोदी, सत्ताधारी बीजेपी आम चुनाव से पहले प्रमुख राज्य में सत्ता से बाहर हो गई है। अखबार आगे लिखता है कि पार्टी ने मोदी की रैलियों के साथ चुनाव प्रचार में हिंदुत्व की राजनीति की थी। मोदी ने अपनी एक रैली में विवादित नई फिल्म द केरला स्टोरी की तारीफ तक कर डाली थी, जिसमें हिंदू महिलाओं के इस्लाम धर्म में परिवर्तन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। मोदी ने भगवान हनुमान यानी कि बजरंगबली के नारे लगाकर भी हिंदू वोटरों को रिझाने की पुरजोर कोशिश की। जय बजरंगबली के नारे से अपनी सभाओं को संबोधित तक किया, लेकिन फिर भी ये कोशिश रास नहीं आ पाई। दोस्तों जर्मन से छपने वाला मीडिया डाइच ने अपने अखबार के हेडलाइन में दिया कि मोदी की राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी की कर्नाटक चुनाव में हार हुई है।
डेक्कन ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी की जीत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने राज्य में आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया था। 6.5 करोड़ की आबादी वाला कर्नाटक एक आर्थिक हब है और इस साल 5 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव में ये पहला राज्य था इसमें 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोदी की बीजेपी पर हिंदू बहुसंख्यक आबादी और देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच फूट डालने का आरोप हमेशा लगता रहा है। देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में कर्नाटक में पार्टी की ये तकरीबन जो लड़ाई है वो काम नहीं आई है, जिस वजह से कर्नाटक के अंदर भाजपा की बुरी तरीके से हार हुई है। इसी तरीके से तमाम अखबारों ने दोस्तों मोदी की हार को अपने हेडलाइन बनाकर, अपने अखबारों में हेडलाइन बनाकर, शीर्षक बनाकर अपनी जो चीज़ें हैं वो लिखी है, जो देश के हालात हैं वो लिखे हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश की मीडिया इस पर किस तरीके का कवरेज कर रही थी वो आप सभी के सामने है। विदेशी मीडिया और देश की मीडिया में कितना फासला और फर्क है खबरों को दिखाने और बताने का, वो आप सीधे तौर पर इस खबर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।